हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर एट द एनिमल्स चैम द एनिमल्स चैम्प का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही विशेष होते हैं अति उत्कृष्ट होते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपने कार्यों के अनुसार अपने अपने लक्षणों के अनुसार पहचाने जाते हैं और बेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ मैचिंग्स दी गई हैं नंबर वन है द लॉन्गेस्ट एनिमल सबसे लंबा एनिमल कौन सा होता है बूटलेस वॉल। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड सबसे अधिक तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है पेरीग्राइन फेलकॉन स्लोएस्ट फ्लाइंग बर्ड सबसे धीरे उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है अमेरिकन वुड कुक लॉन्गेस्ट लिविंग इंसेक्ट कौन सा होता है स्पलेंडर बैटल एंड टेरीमाइट हैवीस्ट स्नेक सबसे भारी शाम एनाकोंडा मोस्ट वेन्यूमिस फिश स्टोन फिश शॉर्टेस्ट फिश डॉर्फ गोभी लार्जेस्ट मैमल कौन सा होता है वेल इंसेक्ट विथ द लाउडेस्ट वॉइस आफ्टर डार्क यानी कि ऐसा इंसेक्ट जिसकी आवाज कैसी होती बहुत तेज होती है कब होती है अंधेरे में कौन सा इंसेक्ट है वो की कैड है फ्लाइंग बर्ड सबसे भारी फ्लाइंग बर्ड कौन सा है कोरी बस्टर्ड फिश विद रेजर शार्प टीथ ऐसी फिश जिसकी जो दांत है वो रेजर के समान शार्प होते हैं प्रानहा ए स्मॉल हंटिंग डॉग डेट नॉट बार्क एक छोटा सा डॉग जो भोक नहीं सकता वो कौन सा होता है बैसे जी। स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नाइन चैप्टर नेम इम्बोलिक बर्ड स्टूडेंट सिम्बोलिक बर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे बर्ड ऐसे पक्षी जिनको हम प्रतीक के रूप में पहचानते हैं देखिए नंबर वन है डैश आर हेल्ड इन हाई स्टीम ऑल ओवर एशिया एंड आ डोर ए सिम्बल ऑफ लॉन्ग लाइफ ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि लॉन्ग लाइफ के रूप में पहचाना जाता है और उच्च सम्मान के लिए भी पहचाना जाता है वो है क्रेन यानी कि सारस सेकंड है डैश आर कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ गुड लक अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है ऐसा कौन सा पक्षी है स्टॉर्क है इज ए फेबुलस माइथिकल बर्ड एक ऐसा पक्षी जिसके बारे में पौराणिक कथा है कि वो आग के समय तो मर जाता है और जब वो राख बन जाती है तो फिर से जी जाता है ऐसा कौन सा बर्ड है फोनिक्स नंबर फोर है डैश आर इज सिंबल ऑफ लव एंड पीस प्यार और शांति के प्रतीक के रूप में माने जाने वाला कौन सा बर्ड है डव डैश आर लव्स लव्ड ऑल ओवर यूरोप सारे यूरोप में प्यार किया जाता है किसको प्यार किया जाता है स्टूडेंट्स कुकू को दे हिल्ड स्प्रिंग मैनी पोएम्स में बहुत सारी पोएम्स भी लिखी गई हैं। सिक्स है डैश आर सेट टू प्रिडिक्ट डिजीज एंड डेथ ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि भविष्यवाणी कर देता है कि बीमारी आने वाली है या मृत्यु आने वाली है अकॉर्डिंग टू फोल्क लॉर इट्स सेंस ऑफ स्मेल और उसकी जो सेंस पावर होती है वो बहुत मजबूत होती है इज टू इंटेंस एंड पावरफुल दैट इट कैन स्मेल पावरफुल्डेट इवन बिफोर इट कम्स नो वन ईवर वॉन्टेड टू सी इट फ्लाई ओवर दे हाउस और कोई भी उस पक्षी को अपने घर के ऊपर नहीं देखना चाहता ऐसा कौन सा बर्ड है रेव स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर टेन चैप्टर नेम इज़ फ्लाइटलेस बर्ड बर्ड जो कि उड़ते नहीं है नंबर वन है द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड कौन सा है इमय ए नॉर्थ अटलांटिक फ्लाइटलेस बर्ड दैट रिजेम्बर्स ए पेनग्विन एक नॉर्थ अटलांटिक का एक ऐसा बर्ड जो कि पेन की तरह ही होता है वो कौन सा है पफिन द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस सॉन्ग बर्ड इन द वर्ल्ड एक छोटा सा फ्लाइटलेस जो कि गाना गाता रहता है संसार में वो कौन सा बर्ड है रेन नंबर फोर है ए लार्ज फ्लाइटलेस नॉक्टर्नल बर्ड ऑफ न्यू गुनिया न्यू गुनिया का नॉक्टर्नल बर्ड कौन सा है कैसोवरी ए लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड of South America with three toed feet. यानी कि South America का एक flightless bird जिसकी तीन toed feet होती है यानी कि तीन उंगलियों वाला Rhea. A great swimmer found in the Antarctic region with bluish black top and white abdomen. एक बड़ा सा बर्ड जो कि कहाँ पाया जाता है अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है और वो नीले और काले कलर का तो ऊपर से होता है और उसका जो पेट होता है होता है वो व्हाइट कलर का होता है पेंगुइन द लार्जेस्ट नॉकटेडल पैरट ऑफ न्यूजीलैंड दैट लिव्स ऑन ग्राउंड बट इट्स ए गुड क्लाइंबर न्यूजीलैंड का एक नॉकटेनल पैरट जो कि कहा रहते हैं ग्राउंड पर रहता है जमीन के ऊपर और एक अच्छा क्लाइंबर होता है चढ़ने वाला होता है काकापो द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी फाउंड मेनली इन द डेजर्ट ऑफ अफ्रीका जो कहा पाया जाता है अफ्रीका के रेगिस्तानों में वो कौन है ओस्ट्रेज ए स्मॉल फरी नॉक्टेनल बर्ड फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के जो हरे भरे जो जंगल हैं, उनके अंदर एक नॉक्टर्नल बर्ड पाया जाता है वो कौन सा है कीवी एन एक्सटीन फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ मारोतीस मारोतीज का फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है डोडो स्टूडेंट्स अब आपको चैप्टर नंबर एट नाइन और टेन बुक में फिल करना है ओके थैंक यू